ऑल राइट काइज यहाँ पर बस कुछ ही मिनट रह गए हैं 2024 आने में और 2023 को जाने में देखिए ऊपर हमने अपने घर के ऊपर 2024 का लिटरली में भाई लाइट वाला पूरा सेटअप कर रखा है और यहाँ पर पूल के पास जितनी भी लाइट उसके अंदर हुआ कर दी थी ना मैंने बाहर निकाल के भाई बाहर लगा दी यहां पे देखिए और साथ साथ में सिंचन बिचैन बाहर से भी कुछ खरीद लाए थे मतलब सेटअप तो बढ़िया ही है आप लोग बताइए आपको हमारा ये ट्वेंटी का सेटअप कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब बाकी सिंचन बिंचन कुछ और तैयारियां बाकी रह गई ओ भाई साहब लोगों लो ने तो यहाँ पे क्रैकर्स का यूज करना यूज भी कर दिया मतलब वो तो यहाँ पे पटाखे फोड़ भी रहे हैं भैया आप ही यहाँ पर पर हमें भी मजे चाहिए अरे जब चौबीस होगा दो तो तब हम पटाखे फोड़ेंगे ना भाई कल वह मुस्ता नहीं हो रहा कब हैप्पी न्यू ईयर होगा अरे होगा 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 बस रुको चलो अब टाइम देख लेते हैं ये लो बॉस यहाँ पर बारह सेकेंड ओके ग्यारह सेकेंड सेकंड अभी मजा नहीं आ रहा है है लेट्स 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 गाइस 2024 आने वाला है। साथ में मिलके आप लोग जल्दी सब सब जैसे ही दो हजार चौबीस हो जाए फिर यहाँ पे पटाखे फूटने स्टार्ट हो जाएंगे तीन सेकेंडे दो तो सेकेंड एक सेकेंड ऑल राइट ऑल राइट अरे अरे ये क्या आपे? ये ये ट्वेंटी नाइन पे टाइम क्यों रुक गया ये ट्वेंटी नाइन पे क्यों अरे मेरा मतलब फोर्टी अरे यार फिफ्टी नाइन पे मैंने कहा मतलब बस एक सेकंड रह गई थी भाई यहाँ पर ये क्या हो गया भाई साहब टाइम रुका नहीं है

अपनी सारी न्यू ईयर की रंगत गायब हो गई हम लोग सोच रहे थे 2024 हजार चौबीस बहुत मजे से उड़ाएंगे मतलब उड़ाएंगे नहीं मनाएंगे और यहाँ पर तो सब कुछ खत्म हो गया वाह भाई कल ये किस तरह का मजा है भाई हम सपना देख रहे हैं क्या मुझे भी ऐसा ही लग रहा है हम सपना ही देख रहे हैं भाई साहब देखिए यार ये क्या हो गया मुझे तो लगता है गाइस किसी ने ना पक्का हमारे साथ कोई प्रैंक किया है बट यार कोई इतना बड़ा प्रैंक कैसे कर सकता है देखिए 2024 में जो लाइट जली थी वो भी नहीं जल रही और यहाँ पर दिन भी निकल आया वो भी कुछ ही मिनट्स में गाइस ये साल कौन सा है ये दो ये क्या यहाँ पे तो बस टाइम दिखा रहा है बारह बज रहे हैं समय कौन सा है भाई मतलब टा, टा, टाइम तो दिख रहा है बट डेट कौन सी है ईयर कौन सा है ये भी तो पता करना पड़ेगा चलो गाइस किसी आस पास के अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है गाइस मैंने तो लिटरल में न्यू ईयर के लिए यहाँ पर अपनी गाड़ी मतलब अपनी कार भी अच्छी तरह से नई डिजाइन कराई थी और यहाँ पर देखिए गायस आज कोई लॉकडाउन है क्या रोड पर कोई आ जा नहीं रहा है हेलो कोई है? अरे भैया ये प्रॉपर्टी के डैम सस्ते कब होंगे और हाँ भैया हो जाएंगे 2020 आने दो तो उसके बाद प्रॉपर्टी के सस्ते डाउन हो जाएंगे व्हाट 2020 आने दो तो? अबे तुम कैसी बातें कर रहे हो 2024 हो गया होगा ये तो अब हो ये दो हजार चल रहा है हाँ मतलब जाने वाला है दो हजार उन्नीस अब आने वाला है वोट यही ये एक कैसी बातें कर रहे हैं भाई 2019 क्यों है ये और 2020 आने वाला है ओ माय गॉड 2020 में तो कोविड आया था आपको याद है कोविड 19 2020 में तो भाई उसकी महामारी फैली थी लॉकडाउन लग गया था नास हो गया था नहीं यार ये सच नहीं हो सकता मेरी बात सुनो सिंचा मिन्ंच हमने काम करते हैं यहां से सीधा अवेंजेस के पास ही चलते हैं और मार्केट से होते चलेंगे देखेंगे मार्केट में शॉप्स पर 2024 के लाइट्स uh, लगी हुई हैं या फिर 2020 की क्योंकि अगर uh, आने वाले कुछ ही दिनों में 2020 आने वाला है तो पक्का 2020 की शॉपिंग कर रहे होंगे लोग ना कि 2024 की और 2020 में अगर हम सच में हैं तो इसका मतलब बहुत इस बड़ी गड़बड़ है पहले तो ये बताओ हम उन्नीस में है या फिर बीस में उन लोगों के हिसाब से हम दो हजार उन्नीस में बट कुछ दिन बाद दो होने वाला है आई थिंक दो होने में दो तीन दिन ही गए होंगे ओ भाई साहब कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को वाह भाई कलवा डरा मत भाई गाइस मैंने इतनी बढ़िया कार मॉडिफाई कराई थी भाई 2024 के लिए सोचा था नई शुरुआत करेंगे और यहाँ पर लग रहा है भाई हम टाइम में पीछे व्हाट ओ बे चुप पीछे देखो आइए भाई ये बहना आइए 2020 की सबसे बड़ी लाइट है ये ले जाइए इसको अरे भैया बढ़िया लग रहा है स्टिकर हैं 2020 का सामान बेच रहे हैं तो लिटरली में भाई इसका मतलब सच में हम तीन साल पीछे आ गए नहीं 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 ये, ये नहीं हो सकता तीन नहीं भाई ऑलमोस्ट चार ही मान के चलो क्योंकि हम 2019 में हैं 2020 तो होने वाला है अरे कोई बताएगा मुझे 2020 है कौन और कैसी बात कर रहा है भैया 2020 बस दो दिन में है दो दो, दिन में इसका मतलब गाय सिर्फ 48 घंटे में 2020 हो जाएगा और 2020 का मतलब कोविड नाइनटीन शुरू जिसकी वजह से भाई चारों तरफ कोरोना वायरस फैल गया था बाप आई मुझे कोरोना वायरस से दूर भाग रहे हैं वही तो ये इसका बात का सोल्यूशन अवेंजर से निकालेंगे हम इसने खतरनाक यार में आके क्यों फंस गए भाई जो पूरी के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंशन भरा था सच में हम कहीं बाहर नहीं जा पाए थे ओ भाई कल भाई मैं तो तीन बार बीमार पड़ा था भाई मैं भी मुझे फिर से इंजेक्शन नहीं लगवानी वैक्सीन के अब आ, हम तो बर्बाद हो गए हमारा 2024 हजार कहाँ चला गया हैप्पी न्यू ईयर कैसे गएंगे अवेंजर्स भी पे परेशान है हमारी सारी दो हजार चौबीस की सजावटें लाइट सब गायब हो गई हा हल्का दो हजार चौबीस वाला बर्गर इतना बड़ा बर्गर था वो भी गया ओ टोनी स्टॉक तू मुझे बताएगा भाई हम 2019 में कैसे आ गए फ्रैंकलिन हजार 2020 की चिंता है भाई कोरोना वायरस आने वाला है ओ नो 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 लॉकडाउन भी लग जाएगा सब खत्म हो जाएगा अब क्या करें जल्दी बताएगा तू अरे हमको जल्दी से यहाँ पर टाइम मशीन का इस्तेमाल करना होगा टाइम अरे हाँ तो चलो ना क्या किस बात का अंजा कर रहे हो तो भूल गया क्या टाइम मशीन को हमने 2018 में ही डिसम्बल कर दिया था और उसको कूड़े कबाड़े में बेच डाला था और उसके बाद हमने टाइम मशीन 2022 में बनाई थी सीधा फिर ओ भाई साहब मतलब 2020 के टाइम में हमारे पास टाइम मशीन है ही नहीं हाँ उसके टुकड़े वुकड़े बड़े होंगे तो चलो गाइस एक काम करते हैं हम कबाड़ी वाली दुकान पे चलते हैं और जाकर भाई टाइम मशीन के टुकड़े ले आते हैं उठाकर जो भी सामान मिलेगा अच्छा रहेगा और हम टाइम मशीन को खुद रिपेयर करके टाइम मशीन ठीक करके हम वापस से दो की थर्टी दिसंबर की रात को चले जाएंगे जिससे कि हम ट्वेंटी का हैप्पी न्यू ईयर बढ़िया तरीके से बनाएंगे प्लान तो अच्छा है फ्रेंड पर हमें यह भी पता करना पड़ेगा ये सब किया किसने टाइम को ऐसे कैसे पीछे कर दिया किसी ने वो भी भाई पूरी दुनिया के टाइम को दुनिया छोड़ पूरे यूनिवर्स का टाइम पीछे चला गया ये अच्छी बात तो ये कि कम से कम मैंने और रविंजर्स ने चीज नोटिस की मोस्टली लोगों को तो पता भी नहीं है कि टाइम पीछे हो गया है hmm, ये बात तो है औरे बाप रे फ्रैंकलिन यहाँ से तो कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ आ रही है हंसने की आवाज़ तो मुझे भी आ रही है ओह और आ गया काफी सस्ते में मिल गई भाई मैंने सुना है अब इंजर्स ने इसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके आधी दुनिया को बचाया था और बिल्कुल उसमें से एक मैं भी था भाई सो दो हजार की बात कर रहे हैं जब थे हरा कर अवेंजर्स ने टाइम मशीन का इस्तेमाल करके टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके सबको बचाया था आप ये वही टाइम मशीन है बट वो पूरी नहीं है हमें उसको रिपेयर करना पड़ेगा लेकिन इन गुंडे मोबाइलों से छीनना भी तो पड़ेगा आइडिया हमने काम करते हैं इनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं जब ये देखने आएंगे बाहर क्या हुआ है पर हम इनको डिस्ट्रैक्ट कैसे करेंगे मेरे पास एक दड़ा तरीका है मेरी कार में अरे कार तो है नहीं छोड़ो मेरे पॉकेट में कुछ बॉम्ब रखे हैं पॉकेट में लेकर घूमता है हाँ इमरजेंसी के लिए यहाँ पर लगा देता हूँ बॉम्ब सुवं। बढ़िया रहेंगे चल, 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 टोनी, फिर कर भाई, कर। और मारो आरा मारो अब तुम्हें तो बताता हूँ बेटा तुम्हें डर नहीं है क्या मैं टोनी क्या सच में मार रहे उनको हाँ इनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर शूटिंग करने की हम यहाँ पर पूरी दुनिया को ही करने की कोशिश कर रहे हैं हम 2024 का हैप्पी न्यू ईयर लाने की कोशिश कर रहे हैं भाई हाँ सही कहा यार हमारा न्यू ईयर नहीं आया तो हम हैप्पी न्यू ईयर कैसे मनाएंगे मुझे 2020 में फंसे नहीं रहना भाई मेरे को वापस जाना है 2023 की रात को एंड वाली को वो भी 2024 मनाने बिल्कुल बिल्कुल जल्दी मोम चेक कर लेता हूँ सारे लग ना

रात को पहुंच जाएंगे बिल्कुल आखिरी रात और 2024 की पहली रात मंगल सही का चल 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 जल्दी चल, चल, चल ओके गाइस वैसे टाइम मशीन मुझे नई नवेली सी लग रही है अबे नई फ्रैंकलिन ना इसमें लाइट जल रही है ना वायर है तू नई नवेली कहां से बता रहा है इसको अभी तो बस ये ग्लास का डब्बा है डब्बा नहीं है भाई ये तो ग्लास का गोला लग रहा है मुझे जो भी हो चलो जल्दी चलते हैं यहां पर लोगों को पता तक नहीं है कि वो बेचारे कहाँ पर आके अटक गए अरे बाप रे ये तुम लोग क्या ले आए हाँ ये कोई टाइम मशीन होती है क्या ये तो कोई टॉयलेट का घर लगता है अरे ये टॉयलेट नहीं है भाई ये टाइम मशीन ही है बस हमें इसको रिपेयर करना पड़ेगा इसमें वायरिंग का सेटअप करना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट का अरे तो जल्दी करो ना हमारे पास टाइम कम है मुझे दो हजार बीस में नहीं जाना है हाँ गाइज अगले दो दिन में दो हजार बीस आ जाएगा भाई साहब और फिर यहाँ पर लॉकडाउन की शुरुआत नहीं 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 फिर तो हम टाइम मशीन का भी कुछ नहीं कर पाएंगे बाहर से कोई सामान खरीदने भी नहीं जा पाएंगे चल्टो नहीं हमें दो दिन के अंदर दो हजार बीस आने से पहले इसको बनाना पड़ेगा लगा रहा है लगा रहे हैं ऑलराइट रहा अगर आप भी चाहते हैं हैप्पी न्यू ईयर यानी दो हजार चौबीस जल्दी आए तो कॉमेंट में यस लिखिए भाई हम लोग तो दो हजार तेईस के यार, तो बनीन यार, हमारा तो तो पाएगा, बिल्कुल हमें न्यू करना, है जैसे बाकी लोग लोग करते हैं, मुझे मुझे तो कभी-कभी ऐसा ऐसा लगता लगता है, 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 पूरी दुनिया है, है। दुनिया ठीक हम ही ही में पीछे आ गए, भी को कोई पता नहीं है कि दो 2020 में आ गए, और 2020 भी नहीं भाई, में आ और पता है। या कहां पर

मेरी और टोनी की थ्योरी सही हो सकती है लगता है भाई समय पीछे नहीं आया है मैं सिंचन पिंचन चौप और अवेंजर्स ही समय में पीछे आ गए हैं। तभी यहाँ पर किसी को नहीं पता कि वो लोग 2023 से 2020 में आ गए हैं। भाई साहब गाइस अरे बाप रे ये क्या हो गया ओह नो अरे कोई बचाओ ये क्या हुआ ओ माय गॉड टाइम मशीन के एग्जैक्ट पास धमाका हुआ था टाइम मशीन तो ठीक होगी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है वाँ वाँ तो तो हो हो अवेंजर अवेंजर से से हेल्प गाइस बोलो जल्दी क्या हो <laughs> जल्दी क्या रहा है ये करता हूं। तो इन लोगों को किसी तरह से 2023 में पहुंचना है तो ये लोग गलती से 2020 में आने वाले हैं मैं इनको यहाँ से नहीं जाने दूंगा इनको यहाँ पर हमारे साथ सड़ना पड़ेगा ये लोग फ्यूचर में जाके मजे करेंगे हाँ नहीं 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 मैं इनके टाइम मशीन में कुछ ऐसी गड़बड़ करता हूँ जिसकी वजह से ये लोग टाइम में आगे नहीं टाइम में पीछे पहुंच जाएंगे अरे पता ही नहीं चलेगा ये लोग हमारी टाइम मशीन चुराए हम इनकी जिंदगी चुरा लेंगे मजा जाएगा। बले बले बले। आ जाएगा बल्ले 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 ये कौन है ओ माय गॉड कौन है ये हेलो अरे बाप रे ये कौन है कौन यहाँ पर हमारी टाइम मशीन को चोरी करने के लिए आया है कहीं ऐसा तो एक मिनट टाइम मशीन चोरी तो नहीं हो गई नहीं ओ, मैं बेकार में घबरा गया था गाइस मेरे को लगा वो जो चोर था वो टाइम मशीन चराने होगा बट इसको तो पता भी नहीं होगा ये टाइम मशीन है खैर फिर भी मैं आसपास देख लेता हूँ अभी वो यहीं छुप कर बैठा हो पक्का उसी ने हमला किया होगा उसने बॉम्ब फोड़ के भाई क्यों किया वो था कौन गायज अगर आपको पता है वो कौन था और वो क्या करके गया है यहाँ पर तो प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखिए बहुत नींद आ रही है यहाँ पर तो वैसे वो है रही चलो गाइस अब कुछ घंटे और उसके बाद टोनी उठ जाएगा अवेंजर्स भी उठ जाएंगे और हम टाइम मशीन का इस्तेमाल करके वापस से अपनी टाइम लाइन में पहुंच जाएंगे और 2024 को एंजॉय करेंगे चलो 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 जल्दी चलते हैं जल्दी चलते हैं अवेंजर्स अरे उठ जाओ भाई अरे नहीं यार अभी तो भाई दो घंटे हैं गाइस मुझे बहुत दीद आ रही है मेरे से भाई बर्दाश्त भी होगा टोरी बोल रहा था तीन घंटे तक इंतजार करूं मैं तीन घंटे तक भाई नहीं यार अब मैं सोने वाला हूँ वैसे भी चोर को अगर चोरी करनी होती मशीन तो वो पहले ही कर जाता आ, चलो सो ही जाता है उसके बाद सुबह उठेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम टाइम मशीन का इस्तेमाल करके दो हजार तेईस की आखिरी रात में पहुँचते हैं अरे बाप रे काफी सही रीत आई बहुत थका पड़ा था भाई मैं वैसे अरे बाप रे गुड मॉर्निंग गाइज ये क्या अवेंजर्स शूट भी कर रहे बापरे लगता है बेचारे टोनी ने अवेंजर्स ने मेरे को जान कर उठाया नहीं होगा उनको पता होगा ना मैं लेट सोया होया हूँ इसलिए चलो अब जल्दी बाहर जाते हैं और जाकर गाइस वापस से दो हजार तेईस की रात को पहुंचेंगे चलो फाइनल जो बटन था मैंने वो भी लगा दिया टोनी ये मशीन सही से है ठीक तो काम कर रही है अरे ना अरे हाँ ना प्राइगन तू ऐसे क्यों घबराया भाई सब ठीक तो है ना खैर छोड़ो गाइस अब टोनी को क्या ही बताऊं कि रात क्या हुआ था हाँ भाई सब ठीक ही है इसका मतलब अगर टोनी तो कह रहा है मशीन ठीक है तो फिर ठीक ही काम कर रही होगी तो चलो चलो, चलो 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 जल्दी भाई मशीन में अंदर जाते हैं और इसमें एंटर करके जल्दी से दो की थर्टी दिसंबर को पहुंच जाते हैं जहां पर भाई हम दो हजार चौबीस का नया साल मनाएंगे कल इस बात की शुरुआत तू ही कर दे भाई अरे वाह देख दे देख, देख मशीन काम कर रही है शुक्र है भाई मैं तो डर गया था यार ये मशीन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है बट मशीन अब जबकि अच्छे से काम कर रही है अब क्या करना पड़ेगा हमें जल्दी से इस मशीन में बस एंटर करना पड़ेगा ध्यान रखना मशीन में एंटर करते समय ज्यादा हिलना मत वरना तुम यहां पर उल्टी भी कर सकते हो अरे हिल रही मशीन हिल रही है चंदा मत कर फ्रैंकलिन बस मशीन अपना काम कर रही है अरे घबरा मत तू अंदर जाना भाई जा रहा हूं, हूं यार डरा मत मेरे को क्या हुआ फ्रैंकलिन अब मजा आ गया। हाँ टाइम मशीन काम कर गई और हम लोग 2023 की रात को आ गए बट ये रात तो है ही नहीं है तो दिन है उठी कसम बात तो सही कही जरा टाइम देखना कितना हो रहा है देखता हूँ 2017। ओ भाई साहब ये, ये क्या टोनी हम तीन साल आगे नहीं तीन साल पीछे आ गए क्या क्या क्या, क्या 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 बात कर रहा है फ्रैंकलिन तो मैं सच बोल रहा हूँ हम लास्ट टाइम 2020 में थे हाँ मतलब 2020 होने ही वाला था तो अरे तो यार हम 2017 में आ गए भाई ये क्या हो रहा है अबे नहीं फ्रैंकलिन ये नहीं हो सकता ये बाप रे ये सब कैसे हो सकता है कि टाइम मशीन उल्टा क्यों काम कर रही है गाइस अब मुझे बता ही देना चाहिए कि हुआ क्या था टोनी मेरी बात सुन असल में रात जब मैं प्रोटेक्ट कर रहा था इस मशीन को बम ब्लास्ट हुए थे और मैं बेहोश हो गया था उसके बाद कोई तो यहां पर अपने हाथों से कुछ कर रहा था इस मशीन में

तो वो कुछ ना कुछ किलो तो छोड़ कर गया होगा तूने चेक किया आस पास किलो नहीं मैंने नहीं किया अच्छा चल ठीक है मैं देखता हूं मैं वैसे भी एक जमाने में डिटेक्टिव रह चुका हूं देखना पड़ेगा वो जो भी चोर था कुछ तो ऐसा मशीन में चोरी करके ले गया है या फिर गड़बड़ी करके गया जानकर जिससे कि हम तीन साल आगे नहीं तीन साल समय में पीछे आ गए हैं और भाई 2017 हजार अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दो 2017 में ही थेनोस ने हमारी पृथ्वी पर हमला किया था टाइम स्टोन्स के लिए और उस समय ही दुनिया की आधी आबादी गायब हो गई थी आधी दुनिया मर जाएगी खत्म हो जाएगी हमें जल्द से जल्द 2017 से 2024 में उसकी शुरुआत में जा... एक मिनट वट ये क्या है अरे ये तो कोई फोन है फ्रैंकलिन तेरा फोन है क्या ये नहीं भाई मेरा फोन मेरे पास है इसका मतलब पक्का ये उस चोर का ही फोन है देखा मैंने कहा था ना? जब कोई चोर चोरी करता है कोई ना कोई तो वो अपना निशान छोड़ के जाता है और अब भी ये जिसका भी फोन है मैं उसको ट्रैक करता हूँ और पता करता हूँ वो पर्सन कौन है और अभी हमें यहाँ पे कहा मिलेगा बिल्कुल सही कहा जल्दी कर 2017 में फिर नहीं लड़ना से लड़ने की बातें कर रहा है भाई। तो हम से पिटे थे 2017 में तो हमें इस में नहीं रहना चलो 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 जल्दी चलते हैं जल्दी चलते हैं हमें जल्द से जल्द यहाँ पर दो की आखिरी रात को जाना ही होगा दो पता नहीं हमें कब देखने मिलेगा भाई फिलहाल तो दो हजार देखने नहीं मिल रहा दो कब मिलेगा पर तू चिंता मत करेंगे हम नया साल मना कर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए बिल्कुल सही कहा हम हम इतने साल साल पीछे आ गए पता नहीं 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 इस साल में मैं क्या कर रहा था मेरे को तो इतना तक याद है चल कोई नहीं, हम जल्दी जाते हैं मैंने इस फोन को ट्रैक कर लिया है और ये किसी कॉफी शॉप के आसपास उस बंदे की लोकेशन आ रही है मुझे बट फोन तो तेरे पास है तो उस इंसान को कैसे ट्रैक कर पा रहा है अरे उसने कोई दूसरा फोन खरीदा होगा ना तो वही मैच कर रहा है उसने इस सेम की आईडी और सेम आईडी उसी के फोन में है अबे ये क्या ये तो रेड और ब्लैक एक मिनट को नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी हमारे साथ 2023 से 2017 में आ गए हो मुझे नहीं पता ओए ब्लैक फ्रैंकलिन और अडग बड़े हंस रहे हो अरे हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे क्या मतलब क्या क्या मतलब क्यों हंस रहे हो कम से कम इतना तो बताओ अरे तुम लोगों ने हमसे हमारी मशीन चुराई थी हमने तुम्हारी मशीन में गड़बड़ी कर दी जिससे कि तुम टाइम में आ गई जाने की जगह सबको टाइम में पीछे ले आए क्यों हमारी वजह से सब टाइम में पीछे आ गए इस टाइम में तुझे याद भी बेवकूफ क्या होगा इस टाइम में आधी दुनिया मर जाएगी खत्म हो जाएगी और आता हमें उससे क्या फर्क पड़ता हम तो मजा ही करेंगे ले करांगा तुझ छोड़ू मानी के बच्चे तू भी ले अरे बाप रे हमें क्यों मार मारे चोर था तुम लोगों हाँ तो वो टाइम मशीन हमारी थी हम अपनी टाइम मशीन लेने गए थे जिससे कि हम दो की आखिरी रात पर पहुंच पहुंचे और नया साल मना पाए और तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया अच्छा तो ये ब्लैक था मारे दो मार पूछ पूछते हम यहाँ पर टाइम मशीन को कैसे ठीक करें अरे मैं सच्ची बोलता हूँ हमने बस टाइम मशीन में गड़बड़ी इसलिए की थी क्योंकि तुमने चोरी की थी प्लीज हमें माफ कर दो पहले ये बता 2023 से 2020 में हमें कौन लेकर आया और हमें नहीं पता हाँ बिल्कुल मुझे नहीं पता तुम लोगों को 2023 से 2020 में कब लेके आया मैं तो 2020 वाला ब्लैक फ्रैंकलिन हूँ मुझे उसके आगे का कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बताओ 2020 में मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा फिलहाल तो तू अगर ऐसी चोरियां करता रहा ना बेटा तो तू 2017 में ही मर जाएगा समझा निकल यहाँ से काइज ये तो लोग बोल रहे हैं कि 2023 का जो समय था इन्होंने पीछे नहीं किया मतलब 2020 में हमें नहीं लेके आइए बस इन्होंने बदला लेने के लिए टाइम मशीन में कुछ गड़बड़ की थी अरे सच्ची बोल रहा हूँ चल टोनी फ़िलहाल जल्दी से मशीन में इन्होंने जो गड़बड़ी की है वो वाला पार्ट जिस इन्होंने दे दिया तेरे को हाँ वो पार्ट मेरे को दे दिया है चलो काइज अब जल्दी टाइम मशीन को मिसिंग पार्ट देते हैं उसका और अब वो हमको पास में नहीं वो आपस से फ्यूचर में लेके जाएगी उम्मीद करते हैं हम ये पता करके रहें कि असल में दो की आखिरी रात किसने बिगाड़ी हमारे 2024 आने से पहले हमें किसने 2019 की आखिरियत में भेज दिया 2020 में फंसने के लिए वही तो यही तो जानना है भाई और दोस्तों अभी लोग हमें आ गए हैं को समझ नहीं आ रहा है हम क्या करेंगे अरे तुम चिंता मत करो टोनी और मैं पे सॉल्यूशन ढूंढ के अब टाइम मशीन फाइनली अच्छे से काम करेगी और हमें में 2023 के दिसंबर की रात को भेजेगी सब मिलके भाई न्यू ईयर बनाएंगे ऐसे भी न्यू ईयर की रात को हम सब अपने अपने घर पे मना रहे थे न्यू ईयर पर अब तो हम साथ में ही मनाएंगे क्या बोलते हो दोस्तों जल्दी कमेंट में यस लिखो हाँ सही कह रहा है तो चल अब जल्दी से यहाँ पर मशीन का जो वो पुर्जा था वो लगा दे उसका आखिरी और उसके बाद मशीन और टोनी यार ये मशीन काम कैसे करती है भाई बड़ी जोर से हिलती है <laughs> फ्रैंकलिन बस आप सीधा खड़ा रहे नहीं तो उल्टिया हो जाएंगे तेरे को एक मिनट क्या हुआ कुछ हुआ क्या हाँ हुआ तो सही पर ये पता नहीं है ईयर कौन सा है अरे जल्दी थे कौन सा ईयर है ओके गाइस अभी ईयर वापस देखना पड़ेगा हमें कौन सा है ये ट्वेंटी ट्वेंटी ओह नो हम तो 2020 में आ गए अरे यार इस समय तो भाई कभी भी लॉकडाउन लग सकता है कभी भी कोरोना वायरस फैल सकता है नो 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 ये क्या हो गया भाई 2020 तो से बचने के लिए 2017 पहुंच गए थे और 2017 से बचने के लिए 2020 में आ गए हम 2023 की आखिरी रात में पहुंच क्यों नहीं पा रहे भाई कल तू ही कुछ कर भाई वैसे हम 2017 से अगर 2020 में बीस में आठ तो क्या पता हम एक और बार टाइम मशीन का इस्तेमाल करें और 2023 में चले जाएं लेकिन क्या गारंटी भाई दो 2023 की थर्टी दिसंबर की रात को जाएंगे वहां हो सकता है फिर

呃。

आदि भाई 2024 को देख पाएंगे ये क्या हो गया ये बाप रे ये क्या हो गया कुछ तो करो फिर भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर किसने हमें 2020 में, में फंसा दिया 2024 देखने के लिए चार साल की दूरी जबकि हम बस एक सेकंड की दूरी पे थे 2024 से हैं वो कौन है वही <laughs> मजा आ रहा है मजा आ रहा है ओ फ्रैंकलिन जरा उधर देख भाई ये तो जायंट फ्रैंकलिन है जायंट जायंट फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन नहीं ब्लैक है और ये इतना है अरे चलो बीस में <laughs> ये दुनिया के लिए काफी बुराई रहा है वेंजर्स। और तुम अभी हमेशा इसमें रहोगे तुम 2024 अब तो चार साल बाद ही देख पाओगे वो भी जब देख पाओगे ना जब मैं तुमको वहां तक पहुंचने दूंगा उससे पहले तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा <laughs> फ्रेंकलिन तूने सुना उसकी बात है बेचारे एवेंजर्स कैसे रो रहे हैं इनको तो पता भी नहीं है कि मैं ही हूँ जिसने यहाँ पर इन

वो बहुत खुशी थी ना 2024 आने की मैं कभी भी तुम्हें 2024 नहीं देखने दूंगा अरे बाप रे भाई टोनी कुछ कर ये इतना बड़ा और जायंट है ये फ्यूचर वाला ब्लैक फ्रेंकलिन है फ्रेंकलिन इसको हम कैसे आ रहे भाई ये 2023 के आखिरी वाला ब्लैक फ्रेंकलिन है तुम लोगों को तो शायद पता भी नहीं है हमारी तरफ तो दो हो भी चुकी है सब लोग दो को इंजॉय भी कर रहे हैं क्या इसका मतलब हमने 2024 का नया साल मिस कर दिया अरे हाँ बिल्कुल मिस कर दिया तो आई सच बोल रहा है क्या आप सभी जितने भी हमारा वीडियो देख रहे हो आप सभी 2024 में हो क्या अगर ऐसी तो में जल्दी यस है, कुछ भी हो जाए पर टाइम मशीन को ठीक करके रहूंगा दोबारा साल बनाऊंगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अच्छी बात तो यह कम से कम मैं अपना माँ के दो हजार से अपने साथ ले आता भाई साहब अगर मेरा सूट मेरे साथ ना आया होता तो मैं इस ब्लैक को भी हराया नहीं होता और मेरे को लास्ट टाइम पे याद भी आ गया सूट भी है तो 2020 में फंसे रह गए जबकि गाइस आप सब लोग तो 2024 में ऑलरेडी पहुंच गए अरे प्लीज मेरे को माफ कर दो फ्रैंकलिन आजा ये हमारी टाइम मशीन ठीक कर रहा है क्या एक मिनट होनी एक सांस से वक्त और जज्बात

को 2023 के 31 दिसंबर को रात में भेज रहा हूँ चलो चले, चले चलते हैं लग गई ओ भाई साहब हम मेरे घर पर आ गए और गाइज ये क्या मेरे घर पर आधी सजावट ओ नो 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 कहीं उस ब्लैक ने थोड़ा पहले तो नहीं दिया। ओ नो। फिर से मेहनत करनी पड़ेगी क्या, क्या तो बेकार सजावट कर रखी है ओके फाइनली गाइज दो हजार तेईस ही है अरे डॉक्टर ऐसी बात नहीं है असल में उस ब्लैक फ्रेंकलिन के बच्चे ने दो घंटे पहले भेज दिया है हमें दो हजार चौबीस होने में इस वजह से सजावट आ दी है क्योंकि हमने बस पंद्रह मिनट पहले ही पूरी की थी सजावटी भैया तो चलो दोबारा कर देते हैं दो तो सौ तो तो गुना, क्या, गुना बढ़िया वाली नए साल की सजावट हो चुकी है अब तो ही आ जाएगा। चलो गाइस देखते हैं ओके ओके मेरी बात सुनो यहाँ पर फिर से बस पंद्रह मिनट ही रहे थोड़ा सा और देखो आपको इधर का टूर दे देता हूँ मैं

2024 की शुरुआत बना रहे हैं उम्मीद करते हैं 2024 हम सबके लिए बहुत बढ़िया जाएगा बिल्कुल सही कहा 2024 में हम बढ़िया बढ़िया एडवेंचर करेंगे बहुत बढ़िया एडवेंचर अरे हैं गाइस ये देखिए भाई क्या बढ़िया खूबसूरती हो रही है पूरे शहर में अरे अरे फ्रैंकलिन जरा उधर देख उधर देख गाइस उधर देखिए ओ माय गॉड इतने ज्यादा क्रैकर्स से ले आए ये लोग अरे भाई ये 2000 की शुरुआत है कुछ धमाकेदार तो होनी चाहिए दोस्तों आपने भी अगर 2024 की शुरुआत को एंजॉय किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, करो और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और हां वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर